मनी लॉन्ड्रिंग मामले में बिहार के आईएएस अधिकारी संजीव हंस समेत चार लोगों की गिरफ्तारी हुई। इसमें पूर्व विधायक गुलाब यादव का नाम भी शामिल है। प्रवीण चौधरी की भी गिरफ्तारी हो गई है। कुल मिलाकर चार लोगों की गिरफ्तारी हुई, लेकिन अभी भी कई ऐसे सफेदपोश और भी गिरफ्तार होंगे। ईडी के रडार पर संजीव हंस की कई करीबी नेता शामिल है। कई नेताओं के साथ संजीव हंस का उठना बैठना था। संजीव हंस के काले करतूतों में कई बड़े बड़े नेता भी शामिल थे और अब उन नेताओं पर भी ईडी बड़ा एक्शन लेगी। जल्द ही नेताओं पर एक्शन लिया जाएगा। ईडी ने 13 लोगों को नामजद अभियुक्त बनाया है, जिसमें गुलाब यादव की पत्नी अंबिका यादव, संजीव हंस की पत्नी मोना हंस, इसके अलावा भी कई सारे नामजद लोग शामिल हैं जिसे ईडी ने अभियुक्त बनाया है। बताते चले हम आपको कि जल्द ही इस मामले में कई अन्य लोगों की गिरफ्तारी हो सकती है। इसमें दिल्ली, पटना समेत अन्य स्थानों पर रहने वाले कई सारे लोग शामिल हैं। इससे पहले गुलाब यादव और संजीव हंस के कई सारे ठिकानों पर ईडी की रेड हुई, जिसमें संजीव हंस और गुलाब यादव पर कई सारे आरोप भी लगाए गए। संजीव हंस के साथ साथ 13 लोगों को ईडी ने नामजद अभियुक्त बनाया है, जिसमें से 3 लोगों की गिरफ्तारी हो गई और अभी 10 लोगों की गिरफ्तारी और होनी बाकी है। बताते चले हम आपको कि नामजद अभियुक्तों की फहरिस्त में प्रवीण चौधरी भी शामिल थे, जिन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। 13 नामजद की फहरिस्त में अब तक 3 लोग संजीव हंस, गुलाब यादव और प्रवीण चौधरी के अलावा FIR के अतिरिक्त एक अन्य गैर नामजद अभियुक्त शादाब खान को भी गिरफ्तार किया गया है। 10 नामजद अभियुक्तों में भी सभी या कुछ की गिरफ्तारी जल्द ही हो सकती है। बचे हुए नामजद अभियुक्तों में संजीव हंस की पत्नी मोना हंस, गुलाब यादव की पत्नी अंबिका यादव, एक्स आर्मी मेंस प्रोटेक्शन सर्विस के सुनील कुमार सिन्हा, गायत्री कुमारी, तरुण राघव, संजीव हंस के साले गुरु बालतेज और पिता लक्ष्मण दास आनंद, ट्रेडिंग के देवेंद्र सिंह, सुरेश सिंगला और उनके समधी कमलकांत गुप्ता शामिल है। इन सभी की संलिप्तता अवैध कमाई के पूरे तंत्र में प्रमुखता से सामने आई है। संजीव हंस पर जो आरोप लगा है वो आरोप ये है कि संजीव हंस अपने पद का दुरुपयोग कर रहे थे और आय से अधिक उन्होंने संपत्ति बनाई, जिसके बाद ईडी कई बार संजीव हंस के कई सारे ठिकानों पर रेड भी की। गुलाब यादव के ठिकानों पर रेड किया गया, जिसके बाद गुलाब यादव और संजीव हंस को गिरफ्तार कर लिया गया है। आज इस पूरे मामले को लेकर ईडी पूछताछ करेगी, जिसके बाद कई ऐसे सफेदपोश अधिकारी हैं, कई ऐसे बड़े बड़े नेता हैं जिन पर एक्शन लिया जा सकता है। बताते चले हम आपको कि संजीव हंस मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के करीबी अधिकारियों में से एक है। संजीव हंस पर कई सारे मामलों पर संगीन आरोप लगाया गया है। कुछ दिन पहले संजीव हंस पर एक महिला ने आरोप लगाया था कि संजीव हंस ने उसका शोषण किया है। गुलाब यादव पर भी उसी महिला ने आरोप लगाया, जिसके बाद अब मनी लॉन्ड्रिंग मामले में संजीव हंस और गुलाब यादव दोनों फंसते नजर आए हैं। कल गुलाब यादव जब पटना पहुंचे तो उन्होंने कहा कि राजनीतिक साजिश करके मुझे फंसाया जा रहा है, मैं इस पूरे मामले में संलिप्त नहीं हूँ, मेरी भूमिका कहीं भी नहीं है, मुझे राजनीतिक साजिश करके ये लोग फंसाने का काम कर रहे हैं। इन सब के बीच आज एक नया अपडेट निकल कर सामने आया। 13 लोग जिसे ईडी ने नामजद अभियुक्त बनाया है, उसमें से 3 लोगों की गिरफ्तारी हो गई और गैर नामजद व्यक्ति की भी गिरफ्तारी हुई है। कुल मिलाकर इस पूरे मामले को लेकर चार लोग गिरफ्तार हुए हैं, जिसमें संजीव हंस, गुलाब यादव, इसके अलावा प्रवीण चौधरी और एक व्यक्ति की गिरफ्तारी हो चुकी है। इन चार लोगों की गिरफ्तारी के अलावा अभी और भी कई नामजद अभियुक्त हैं जिनकी गिरफ्तारी होगी, जिसमें संजीव हंस की पत्नी मोना सिंह, गुलाब यादव की पत्नी MLC अंबिका यादव और इसके अलावा संजीव हंस के कई ऐसे करीबी हैं, उनके साले, उनके पिता, इन तमाम लोगों की गिरफ्तारी होगी और कई सारे नेता भी रडार पर है। ये नेता संजीव हंस से लेन देन करते थे। संजीव हंस जो संपत्ति बनाते थे उसमें इन तमाम लोगों की भी संलिप्तता है और एक एक करके आज जब संजीव हंस सब कुछ बताएंगे तो उसी के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी और इन तमाम लोगों को गिरफ्तार भी किया जा सकता है। 10 नामजद लोग, इन लोगों की गिरफ्तारी जल्द ही होगी। फिलहाल 4 लोगों की गिरफ्तारी हुई है
और आज पूछताछ के आधार पर ईडी आगे की कार्रवाई करेगी। बताते चले हम आपको कि संजीव हंस मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बेहद करीबी अधिकारी में से एक है। उन पर कुछ समय पहले भी एक महिला ने आरोप लगाया था कि उस महिला के साथ संजीव हंस और गुलाब यादव ये दोनों शोषण किए हैं। गुलाब यादव और संजीव हंस भी एक दूसरे के काम में संलिप्त है, यानी कि संजीव हंस पैसा बना रहे थे, गैर कानूनी तरीके से पैसा बना रहे थे और इस पूरे मामले में गुलाब यादव की भी संलिप्तता है। हालांकि गुलाब यादव ने कहा है कि मुझे राजनीतिक साजिश करके फंसाया जा रहा है, लेकिन ईडी आज जब पूछताछ करेगी उसके आधार पर जो कार्रवाई होगी ये देखना दिलचस्प होगा। हम आपको तमाम खबरों से रूबरू कराएंगे, आप देखते रहिएगा फर्स्ट बिहार झारखंड। भारतीय जनता पार्टी का सदस्य बनने के लिए 8800002024 पर मिस्ड कॉल करें। निवेदक भारतीय जनता पार्टी बिहार। 26 वर्षों में 17,000 से अधिक डॉक्टर बना चुका बिहार एवं झारखंड के छात्रों के बीच विश्वसनीय संस्थान गोल। 26 वर्षों में 17,000 से अधिक डॉक्टर बना चुका बिहार एवं झारखंड के छात्रों एवं अभिभावकों के बीच सर्वाधिक विश्वसनीय एवं लोकप्रिय संस्थान गोल, नेशंस लीडिंग इंस्टीट्यूट। हमारा विश्वास गोल के साथ।